नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड YouTube वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 51 में आपका स्वागत है। जी हां, 50 दिन हो चुके हैं, दिस इज 51st डे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैलेंज से जुड़े हुए हैं। जिनको नहीं पता और नए हैं, उनको बताना चाहूंगा कि लगातार 75 डेज तक हर रोज एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं इस चैलेंज में अपने YouTube चैनल के ऊपर, जो कि फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स, द विंची रिजॉल्व, फिल्म मेकिंग टेक्निक, सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, ये सब कवर कर रहे हैं। AI के बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं। रिसेंटली मैं 3-4 दिन के लिए अपनी कंपनी आउटबाउंड पे बाहर था, तो हम अपनी टीम को लेकर के जाते हैं हर साल कहीं ना कहीं घुमाने के लिए, और वहाँ पर हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, इन्जॉय करते हैं, नाचते गाते हैं, ये सब कुछ होता है। तो जो लोग कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने देखा होगा मैं अपनी स्टोरीज के अंदर थ्रू आउट दिखा रहा था क्या क्या वहाँ चल रहा है। मेरी एक प्रेजेंटेशन भी वहाँ पर थी, जो कि मैं आपको शेयर भी करूँगा अभी 2-4 दिन में। जब मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं उसे एडिट करके यहाँ पर पोस्ट करूँगा किसी एक वीडियो के दौरान ही। बाकी मेन बात यह है कि मैं अभी अवेलेबल नहीं था, तो 3 दिन तक लगातार मैंने AI के वीडियोस डाले थे जो मैं पहले ही क्रिएट करके गया था, और वो रेगुलरली जो है पोस्ट होते जा रहे थे। मैंने ऑलरेडी उनको शेड्यूल कर दिया था। आज मैंने सोचा था कि आफ्टर इफेक्ट्स की वीडियो लेकर के आऊँगा, बट आज भी मैं एक और AI की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि पीका लैब्स का मेरा इन्वाइट एक्सेप्ट हो गया। तो जिन लोगों को पीका लैब्स के बारे में पता नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि पीका लैब्स एक जो है नया AI आर टूल है, जो कि अभी तक का बेस्ट टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन टूल है। बिल्कुल सही सुना आपने, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन। अभी तक हमने रनवे के एग्जांपल्स देखे थे, बट रनवे से बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी और बहुत ज़्यादा बेटर फीचर्स पीका लैब्स के अंदर आपको मिलते हैं। 2 लेडीज़ ने कंपनी शुरू की है और लॉन्च होने के साथ ही कुछ घंटों के अंदर 55-60 मिलियन डॉलर्स पार कर चुके थे। अभी तो ये 75 मिलियन डॉलर से ऊपर जा चुकी है इसकी वैल्यूएशन। सो बहुत ज़बरदस्त ग्रेट एफर्ट है, सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स ने मिलकर के इस तरह की ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। अभी इन्होंने अपना बीटा लॉन्च किया हुआ है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था एंड फाइनली मेरा अब वो एक्सेप्ट हो गया। तो पीका लैब्स की वेबसाइट इस तरह की कुछ दिखती है। मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगा कि कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लॉग इन हूँ, निर्देशक राव मेरा अकाउंट है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिली हुई है डिस्क्राइब योर स्टोरी की, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये एक्सप्लोर मोड है, इसके अंदर बाकी लोग जो बना रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। डिस्क्राइब योर स्टोरी में आप यहाँ पे अपना कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। लाइक मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हैप्पी किड फ्लाइंग इन स्पेस एज एन एस्ट्रोनॉट प्लेइंग विद एन एलियन, ब्यूटीफुल स्पेस, मैजिकल, ये लिखा है मैंने। उसको मैं पर क्लिक करता हूँ जो बटन बना हुआ है, एंड ये प्रोसेस करना इसको शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है योर वीडियो विल स्टार्ट जनरेटिंग सून, और ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर मोड से माई लाइब्रेरी के ऊपर ही आ गया। तो माई लाइब्रेरी में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो आपने जनरेट की हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो ये डली हुई है, एक वीडियो इधर है। तो ये मैंने टेक्स्ट टू वीडियो यहाँ पर ट्राई किया था पहले। इस पर मैंने लिखा था इंडियन स्पेस साइंटिस्ट मीटिंग न्यू एलियन स्पीसीज इन अदर डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम कंटिन्यूम, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डिटेल लिख दिया था यहाँ पर। तो इस तरह का इंडियन एक साइंटिस्ट यहाँ पर आ गया, जो कि टेक्निकली ये प्रॉम्प्ट सही है। एलियन स्पीसीज नज़र नहीं आ रही, बट इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया कि हो सकता है कैमरे के इस तरफ में स्पीसीज हैं, बट ये मूवमेंट आपको मिल रही है। दूसरा मैंने यहाँ पर एक और चीज़ ट्राई की थी, आप देख सकते हैं इधर एक लड़की बैठी हुई है जो कुछ बोल रही है और कैमरा जूम इन हो रहा है। और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये तो मैंने टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉम्प्ट था तो टेक्स्ट टू वीडियो था, बट दिस वन इज़ इमेज टू वीडियो। इसमें मैंने एक देख रहे हैं यहाँ पर इमेज इनपुट लिखा हुआ है, इमेज यहाँ पर इनपुट दी थी और उस इमेज के आगे जो है ये एनिमेशन हुई है। तो इमेज टू एनिमेशन, इमेज टू वीडियो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जनरेट हुआ है। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। पहले एक बार इसको जनरेट हो जाने देते हैं, 56% ये हो चुका है। तो हमारी एनिमेशन यहाँ जनरेट हो गई है, एक बच्चा जो है यहाँ पर फ्लाई करता नजर आ रहा है। एलियन स्पीसीज अगेन इसमें नहीं है, बट एस्ट्रोनॉट बच्चा यहाँ पर हमको फ्लाई करता नजर आ रहा है और यहाँ पर बहुत हैप्पी है। इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आप इसको प्ले करके देख सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पर फ्लोट करता हुआ, पीछे पूरी अर्थ नज़र आ रही है, स्पेस नज़र आ रहा है, और एक हैप्पी बच्चा दिखाया हुआ है, इसकी आंखों में बहुत ग्लो है। इसको बेसिकली आप बाद में AI से एनहांस कर सकते हैं, बट ऑल इन ऑल ये स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया आउटपुट आपको मिली है। बट इसमें कैमरा एनिमेशन ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पर चाहूँगा कि इसके अंदर थोड़ा चेंज करना, कैमरा जूमिंग इन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एनिमे आर्ट स्टाइल, ये मैंने थोड़ा एडिशन कर दिया है। ये करके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जनरेट हो गई है, मैं इस पर माउस लेकर के आ रहा हूँ। देखो अब हमारे पास कैमरा मोशन आ गया, थोड़ा जूम इन होता हुआ, और यहाँ पर बच्चा फ्लोट कर रहा है, ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एनिमे आर्ट स्टाइल है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की वीडियो आउटपुट आ गया, ये बिल्कुल कितना कूल लग रहा है, वो कुछ डायलॉग भी बोल रहा है, ये लग रहा है किसी शो का सीन है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन टूल है ये। इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर एक चीज़ और थी कि इमेज टू आप वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं यहाँ पर देख रहे हैं नीचे एक बटन है इमेज और वीडियो, तो मैं यहाँ पर इमेज को ही कॉल करवाता हूँ। एक मैंने यहाँ पर इमेज बना के रखी हुई है अपनी, जिसके अंदर मैं आयरन मैन के सूट के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट को भी हटा देता हूँ, कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं डालता, प्रॉम्प्ट मैंने हटा दिया है।
सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखा गया कि योर वीडियो विल स्टार्ट जनरेटिंग सून। तो 800 बाय 1200 की मैंने इमेज दी थी, अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये वीडियो बनाएगा इस इमेज के थ्रू। इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है। इनपुट में मैंने ये वाला इमेज यहाँ पर दिया है, तो आयरन मैन सूट के अंदर मैंने अपनी एक इमेज जनरेट की है कॉम्फी यूआई में यूजिंग स्टेबल डिफ्यूजन। जिन लोगों को स्टेबल डिफ्यूजन सीखना है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना करके डाली हुई है मेरे चैनल के ऊपर जा करके। यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर तरह की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डाली 3 की फोटोशॉप, ठीक है, चैलेंज वाली है, यहाँ पर डिस्कॉर्ड लिनाडो AI की अलग से, तो इसमें आपको एक जगह पर स्टेबल डिफ्यूजन की भी मिलेगी, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ सकता है। ये रही, तो ये स्टेबल डिफ्यूजन की है, इसके अंदर 23 वीडियोज़ हैं, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से स्टेबल डिफ्यूजन का सीखने को मिल जाएगा। जो लोग किसी और AI में मिडजर्नी वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी भी मिडजर्नी की पूरी यहाँ पर वीडियो 10 वीडियोज़ की सीरीज़ है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगेन प्लेलिस्ट का यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ एक तरह का कंटेंट नहीं है, ये काफ़ी लोगों को पता है ऑलरेडी। जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूँगा कि इसी के ऊपर आपको सिनेमेटोग्राफी की वीडियोस भी मिल जाएंगी, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड सब जो है, लाइटिंग की भी मिल जाएंगी, AI की भी मिल जाएंगी, आफ्टर इफेक्ट्स, द विंची रिजॉल्व, हर तरह की वीडियोज़ हैं। आपको अलग अलग थोड़ा सा इसमें नेविगेट करके देखना पड़ेगा कि आपके रिलेटेड स्टफ की प्लेलिस्ट कौन सी है। राइट, वापस चलते हैं पिका लैब्स पे, ऑलमोस्ट ये होने वाला है यहाँ पर, इसके लिए हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। 87% हो गया है, तो ये कंप्लीट हो गया है। इस पर अगर मैं लाता हूँ माउस तो इस तरह से वीडियो चल रही है, और थोड़ा यहाँ फनी फेस मुझे लग रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, तो पीछे सिटी के अंदर हसल चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग घूम रहे हैं, कैमरा जूम इन हो रहा है, बॉडी यहाँ पर पूरी मूवमेंट में आ गई है। सिर्फ एक ये है कि ये फेस टर्न होता है तो किसी और का फेस बन जाता है मेरी वजह, तो ऑब्वियसली उसको पता नहीं कि मेरा फेस कैसा दिखता है, तो रोटेट होने पर टर्न होने पर थोड़ा डिफरेंट फेस आ जाता है। बट बाल इतने अच्छे यहाँ पर जो है हिल रहे हैं विंड के साथ में, कैमरा जूम इन हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी मुझे आउटपुट लगी। और यहाँ पर फॉर सम रीज़न ने देखा कि ये बोलना शुरू कर देता है कैरेक्टर जब भी हम कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं। मैंने वो लड़की वाली वीडियो में भी यहाँ पर एक इमेज डाली थी और ये होठ हिलना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने एक ऑप्शन यहाँ देखी थी, उसे ट्राई करना चाहूँगा मैं। पैरामीटर्स पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट की ऑप्शन है, इसमें अगर मैं लिखता हूँ टॉकिंग माउथ ओपन टीथ, ऐसा मैं लिख देता हूँ, लिप्स मूविंग, ये सब मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ इन होप कि ये हिलना बंद कर दें मुँह, ठीक है। हेड टर्निंग, ठीक है, ये भी मैं डाल देता हूँ, और ठीक है बस इतना मैं करूँगा। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी विद द टेक्स्ट जो है ये 12 है, मिनिमम 5 कर सकते हो, मैक्सिमम 25 कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए अराउंड 20 करके देखते हैं, और ये रखने के बाद अब मैं दोबारा जनरेट करता हूँ, देखते हैं फिर कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो यहाँ पर जनरेशन हो चुकी है, देखते हैं इसको, और इस बार अगेन ये लिप्स नहीं ओपन हो रहे हैं, तो ठीक है ये चीज़ आ गई है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। मुझे थोड़ा ब्लर लग रहा है, देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आया है। तो ये वीडियो है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर हुआ और उसके बाद दोबारा फोकस में आ गया, लेकिन लिप्स ओपन नहीं हुए, माउथ ओपन नहीं हुआ, पीछे लोग घूम रहे हैं, गाड़ी चल रही है, वो सब वैसा ही है। तो अगर नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मैं ब्लर भी डाल देता हूँ तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से आप इमेज और वीडियो इनपुट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज इनपुट से तो मुझे इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, बट वीडियो जब मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे प्रॉपरली रिजल्ट मिल दे रहे हैं। मे बी मैं कुछ प्रॉम्प्टिंग वगैरह गलत कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं और वीडियोज लेकर के आऊँगा जैसे मुझे और पता चलेगा इस टूल के बारे में। अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप इससे टेक्स्ट टू वीडियो बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं एंड इमेज टू वीडियो बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल फीचर और भी हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर वो दिखाने वाला हूँ आपको। और ये सब करने के लिए आपको पिका लैब्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर आप बीटा के लिए एनरोल कर दीजिए। जब आपका वहाँ पर इनवाइट सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको मेल आ जाएगी। और अगर आपको इसको बिना वेट किए अभी के अभी टेस्ट करना है तो पिका लैब्स का डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसके ऊपर आप जाएं और वहाँ पर जाकर के आप अभी जनरेट कर पाएंगे। और जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसा करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर के एनरोल करना पड़ेगा, एंड आपको कुछ दिन में इनवाइट वाली मेल आ जाएगी, देन आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ग्रैंड चीज़ है, आप लिटरली मूवी लेवल के सीन्स अब डेवलप कर पाएंगे AI के अंदर। हर चीज़ जो AI में नहीं आ रही है उसको कोई भी हल्के में ना ले, ये सब जो है बिल्कुल बिगिनिंग फेजेस हैं। और जो कुछ आपको अभी दिख रहा है इतना माइंड ब्लोइंग, वो आगे बहुत क्लीन और क्रिस्प क्वालिटी के अंदर मिलेगा। मूवी लेवल क्वालिटी आप AI से जनरेट कर पा रहे होंगे बहुत ही जल्दी, तो कनेक्टेड रहिए ताकि आप अपडेटेड रहें इस फील्ड के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके अंदर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपकी कभी मिस ना हो। डेली वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के बाद उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो डू दैट। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक क्लियर आपकी ओर से नमस्कार।